नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ई टीवी के पब्लिशर रियो के बारे में, जिसके हमारे बीच नए प्राइजेस घोषित कर दिए गए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि काफी वक्त से आपको मैं वीडियोस देते आ रहा हूं, जिसमें आपको मैंने सोनी के नए प्राइजेस के बारे में, स्टार इंडिया के जो चैनल्स हैं उसके प्राइजेस के बारे में, जी के प्राइजेस के बारे में, और वाइको मेटिन के जो प्राइजेस हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं कि किस तरह से उनके जो प्राइजेस हैं वो हमारे लिए 1 दिसंबर 2021 के बाद से बदल रहे हैं। कुछ चैनल्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है तो कुछ चैनल्स की कीमतों में मामूली जो है कटौती भी देखने को मिली है। और अब जो बारी आई है वो ई टीवी ग्रुप की आई है। इनके जो चैनल्स हैं वो अधिकतर रीजनल चैनल्स हैं, और अभी हाल ही में बच्चों के लिए भी चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है ई टीवी बाल भारत, वो भी दोस्तों इन्हीं का चैनल है। और यहाँ पर जो भी आपको मैं चैनल लिस्ट दिखाने वाला हूँ, उनके प्राइसेस बताने वाला हूँ, उन सभी का जो कंपैरिजन है वो अपने केबल टीवी या डीटीएस से आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। इनमें से कुछ चैनल दोस्तों ऐसे हैं जो कि आपके डीटीएच और केबल टीवी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो माफ कीजिएगा उसके लिए कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन चैनल्स की बात मैं करने जा रहा हूं जो कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उनका प्राइस में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। वो प्राइस पहले की तरह वही रहेंगे जो कि अभी आपको देने पड़ रहे थे। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहला चैनल आपका ई टीवी तेलुगु है और इसका प्राइस 22 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। अगला चैनल है ई टीवी प्लस, इसका प्राइस 3 रुपए प्रति महीना। ई टीवी सिनेमा का 4 रुपए प्रति महीना। ई टीवी अभिरुचि का 1 रुपए प्रति महीना। ई टीवी लाइफ का 50 पैसे। ई टीवी आंध्र प्रदेश का 50 पैसे। ई टीवी तेलंगाना का 50 पैसे। ई टीवी एच डी का 25 रुपए प्रति महीना। ई टीवी प्लस एच डी का 4.5 रुपए प्रति महीना। ई टीवी सिनेमा एच डी का 6 रुपए प्रति महीना। अब आ गए दोस्तों कुछ ऐसे चैनल्स जो कि आपके मोस्टली डीटीएच और केबल टीवी में उपलब्ध नहीं है, जो कि ई टीवी बाल भारत के रीजनल चैनल्स हैं। जैसे कि आपका ई टीवी बाल भारत तेलुगु 4 रुपए प्रति महीना, ई टीवी बाल भारत हिंदी 4 रुपए प्रति महीना, ई टीवी बाल भारत पंजाबी 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत मराठी 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत गुजराती 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत मलयालम 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत कन्नड़ा 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत तमिल आपका 4 रुपए, ई टीवी बाल्या भारत आपका बंगला 4 रुपए, ई टीवी बाल्या भारत उड़िया आपका 4 रुपए, ई टीवी बाल्या भारत असमिस आपका 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत इंग्लिश आपका 4 रुपए, ई टीवी बाल भारत जो है दोस्तों आपका 4 रुपए रहेगा, जो कि आपके डीटीएच और केबल टीवी में भी आता है। और आखिरी में दोस्तों ई टीवी बाल भारत एच डी, जिसका हाई डेफिनेशन चैनल है, वो अभी तक किसी भी डीटीएच और केबल में उपलब्ध नहीं है, इसका प्राइस रहेगा 5 रुपए प्रति महीना। दोस्तों जितने भी चैनल्स आपको मैंने बताए हैं ये इनके नए प्राइसेस हैं। कुछ चैनल्स की कीमतों में दोस्तों बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है जैसे कि आपको मैंने बताया है, और कुछ 2-4 चैनल्स ही ऐसे हैं जिसकी कीमतों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि उनके रीजनल के चैनल्स हैं, जैसे कि ई टीवी तेलुगु, ई टीवी एच डी, और इसके अलावा ई टीवी सिनेमा हो गया। बाकी इसके अलावा कमेंट में क्या सवाल चल रहे हैं इनके प्राइजेस को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो भी हमारा दक्षिण भारतीय जो है व्यूवर है, जो भी तमिलनाडु से है या तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, वो अच्छे से बता सकता है कि जो चैनल्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, कटौती की गई है, वो किस तरह से आपको देखने को मिली है, क्या सही है नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी वेबसाइट journalismguide.in भी अवेलेबल है, कृपया करके उसे भी फॉलो करें, वहां पर भी हम आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका आपको लिंक मिलेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस के जरूर मिलेंगे। नमस्कार।